हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है पॉलिनोमियल्स, इसकी एक्सरसाइज 3.6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये एक्सरसाइज बच्चों इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद एक मिसलिनियस एक्सरसाइज और रहेगी, वो भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। ओके, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में बच्चों आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिख रहे हैं। किसका? अलग अलग जो एक्सप्रेशन है उसका। तो इसमें से कुछ हमारे पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं या फिर हमारे मिक्स्ड एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ आपको एलसीएम निकालना सीखना है, क्वेश्चन नंबर 2 आएगा उसमें एचसीएफ निकालना सीखना है। ठीक है, ओके जी, चलिए तो फर्स्ट पार्ट हमारा देख लेते हैं इसका, एलसीएम निकालना इन एक्सप्रेशन का। क्वेश्चन नंबर 1 में 24x² yz एंड, और दूसरा एक्सप्रेशन है 27x^4y²z². ठीक, तो जो भी एक्सप्रेशन दिए जाते हैं जितने भी हैं, ठीक है, अगर तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं तो पॉलिनोमियल तो नहीं है, तो उसको u, v, w, x कुछ मान लेना आप। जैसे दो है तो एक को u मान लेना, एक को v, तीसरा होता है तो w, चौथा होता है तो x, y, z, अलग अलग मान लेना। ठीक है, और अगर वो पॉलिनोमियल में होता है, जैसे नीचे देखो सारे एक ही वेरिएबल में, समझ में आ गया, पॉलिनोमियल्स है, तो फिर उसको u x v x w x इस प्रकार से लेना। तो अगर पॉलिनोमियल है तो इस फॉर्म में लेना, पॉलिनोमियल नहीं है, खूब सारे वेरिएबल्स दिख रहे हैं, इस फॉर्म में लेना। तो फिलहाल ये पॉलिनोमियल नहीं है तो एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन। ओके, सो लेट गिवन एक्सप्रेशंस बी u एंड v, ज्यादा होता है तो w, ठीक है, तो u और v ले लिया हमने, तो 24x²yz u है और v हमने नीचे वाला ले लिया, क्लियर है। अब इसको फैक्टराइज कर लेना, अब जैसे 24 और 27 है इसके भी फैक्टर्स लिख लेना। 24 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये आता है 2 × 2 × 2 × 3, भाई 2 का क्यूब 8, 3 होता है 24, 8 होता है 2 का क्यूब, तो 8 तो ये रहा, 3 ये रहा, तो 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू x²yz आगे ऐसा कैसा। ठीक है, चलिए 27 जो होता है 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब फिर x^4 y²z². ठीक है, अब बच्चों इससे पहले हमने पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में किया है, इसी चैप्टर में किया है, उससे पिछले हमने रियल नंबर्स वाले चैप्टर में किया, ईडीएल पढ़ा हमने, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, और उसमें हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, बिल्कुल सेम चीज है, अभी एक तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे ही हो गया। ठीक है, जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं, जितने भी प्रकार के फैक्टर्स हैं वो सारे लिख लेते हैं, और एल लोएस्ट, तो उसका मतलब हाईएस्ट, बड़ी से बड़ी पावर जो है उन सभी फैक्टर्स के लिख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं 2, देखो यहाँ कितने प्रकार के फैक्टर्स है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, एक्स वाई जेड, तो 2, 3, x, y, z सबको मल्टीप्लाई में लिख लिया, और सबकी बड़ी से बड़ी पावर लगानी है, 2 की बड़ी से बड़ी पावर यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है तो यहाँ क्यूब लगा दिया, 3 की बड़ी से बड़ी पावर यहाँ 1 है या 3 है तो 3 दिख रहा है 3, एक्स की बड़ी पावर 2 और 4 में से 4 है तो यहाँ 4 लिख लिया, वाई की बड़ी पावर 2, जेड की 2, तो ये आ गया, समझ में आ गया। तो ध्यान देना, जब भी एलसीएम निकाले तो जितने भी फैक्टर्स है सारे लिख ले बिना रिपीटेशन के, और पावर क्या है, एल लीस्ट है, इसका उल्टा हाईएस्ट उल्टा करना है, हाईएस्ट पावर लेनी है, और इसको सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना। तो 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, और x^4 y²z², और 27 8 से इंटू कर लेंगे तो 216 आ जाएगा, x^4 y²z² हमने निकाल लिया एलसीएम, समझ में आ गया। एचसीएफ निकालते हैं तो सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं और फिर पावर उसमें कौन सी लेते हैं, लोएस्ट लेते हैं, उल्टा काम है, तो वो भी देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। चलिए, ये तो था हमारा जनरल एक्सप्रेशन था, यू और वी मान लिया, अब यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया है, तो अगर हमको पॉलिनोमियल दिया जाता है तो सबसे पहला काम है उसको फैक्टराइज करना है, लीनियर फैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक, तो लेट द गिवन पॉलिनोमियल्स बी यू एक्स एंड वी एक्स, तीसरा होता है तो डब्ल्यू एक्स मान लेंगे, तो यू एक्स वी एक्स, चलिए तो यू एक्स मतलब पॉलिनोमियल यू है इन वेरिएबल एक्स, x²-3x+2, स्प्लिटिंग मेथड से हम क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। चलिए 2 1, यहाँ कॉन्स्टेंट 1 है, कोफिशिएंट 1 है, तो 2 1 2, अच्छा 2 के फैक्टर्स 2 1 ही होता है, 2 और 1 को जोड़ने से 3 आता है, लेकिन -3 चाहिए, -3 कब आएगा, जब -2 और -1 लेंगे, समझ में आ गया, तो -2 -1 करते हैं तो -3 आता है, दोनों साथ x लगा देंगे, तो -2x - x इसका टू क्या हो जाएगा, -3x, हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया, और 2 और 1 को इंटू करने से 2 ही आता है, 2 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, और 2 कैसे, 2 1 किया ना हमने, तो फर्स्ट कोफिशिएंट आखिरी कोफिशिएंट को इंटू कर लेना, तो फैक्टर्स आपको पता ही है, ठीक है ना। चलो तो x² तो मतलब -3x की जगह हमने लिख लिया -2x - x, अभी इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट दोनों में तो x कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा x, इधर x बाहर निकल गया तो -2, सेम x - 2 ब्रैकेट आगे रिपीट कर देंगे, और यहां देखेंगे तीसरा जो टर्म है माइनस का x, मतलब माइनस का 1x ही है, 1 नहीं है तो हम मान सकते हैं, -1x में से x अंदर आ गया तो -1 बच गया, ये बाहर लगा देंगे, और इसको दोनों तरफ इंटू करेंगे तो ये ऊपर वाला ही बनने वाला है, -1 × x - x एंड -1 × -2 + 2, क्लियर है। अब दोनों जगह से ब्रैकेट कॉमन है तो ब्रैकेट कॉमन ले लिया, x - 2, इधर बाहर बचेगा x, इधर बचेगा -1, तो फाइनली हमने फैक्टराइज कर लिया, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ फैक्टराइज करके छोड़ देना। इसी प्रकार से अगला वाला
जो दूसरा पॉलिनोमियल है Vx, x raised to 4 plus x cube minus 6x square, ठीक है। इसमें देखो तीनों में x की सबसे छोटी पावर x square, 2 है ना, तो x square कॉमन ले लेंगे बाहर, x square कॉमन ले लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो x raised to 4 में से x square आ गया तो x square बचा, x cube में से x square आ गया तो x बचा प्लस का, यहां से x square निकल गया तो minus 6। अब x square को बाहर ही पड़ा रहने देना, अंदर वाले को फैक्टराइज कर लेंगे, 6 1 6 और 6 को तोड़ेंगे तो 3 2 जो होता है, और 3 और 2 का अंतर होता है 1, और प्लस का 1 लाना है तो 3x minus 2x कर देंगे, तो ये कर दिया हमने 3x minus 2x। अभी x square और 3x में से कॉमन ले लिया x, तो यहां बचेगा x plus 3, सेम ब्रैकेट आगे रिपीट मारा x plus 3, x अंदर आ गया तो बाहर बचा minus 2, यहां बाहर minus 2 आ गया, इंटू करके देखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों में से x plus 3 कॉमन है, बाहर निकाल लिया, इधर बचेगा x, दूसरे में बचेगा minus 2, समझ में आ गया। तो दो ब्रैकेट्स आ गए, x plus 3, x minus 2, और बाहर जो हमने कॉमन निकाल लिया था x square, ये हमने फैक्टराइज कर लिया। अब हमको निकालना है LCM, जैसे हमने ऊपर निकाला, मैंने बताया था जितने भी फैक्टर्स है वो एक एक बार लिख देंगे बिना रिपीटेशन के। तो सबसे पहले हमको देखो, एक तो x दिख रहा है, x लिख लिया, उसके बाद x minus 2, x minus 1, ये x minus 2, x minus 1, और एक x plus 3, x plus 3, x minus 2 दोनों जगह है, दोनों तरफ है, तो एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं करना है। तो हमारे पास चार प्रकार के फैक्टर है, एक तो x है, एक x minus 1 है, एक x minus 2 है, एक x plus 3 है, क्लियर है। अब LCM निकालना है, L लोएस्ट, तो उल्टा हाईएस्ट पावर लिखनी है सबकी, तो सारे ब्रैकेट पे तो बड़ी से बड़ी पावर 1 ही है, तो वो तो ऐसे कैसे रह जाएंगे, x की बड़ी से बड़ी पावर 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे, x स्क्वायर और x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, इनको इंटू करके दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ कोई फॉर्मूला लग रहा हो, जैसे मान लो x प्लस 2, x माइनस 2 हो गया, फॉर्मूला लगता है तो इजिली इंटू कर लेना, अदरवाइज आपको ऐसे इंटू करने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया बच्चों हमारा सेकंड वाले क्वेश्चन का, सेकंड वाले पार्ट का LCM, समझ में आ गया। तो फैक्टराइज करना नहीं भूलना, ठीक। चलिए अगला वाला देखो, दो हमको पॉलिनोमियल्स दिए हैं, पहला ux दूसरा vx, तो लेट द पॉलिनोमियल्स बी ux एंड vx। चलिए ux को फैक्टराइज करते हैं, 2x square minus 8 कॉमन ले लेते हैं, सिंपल 2 कॉमन ले लिया, इधर बचेगा x square minus 4। अब देखो ध्यान से, यहां फार्मूला बनेगा, ये x का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो मैं इसको ले सकता हूं x square minus 2 का स्क्वायर। अब देखो इसको a पढ़ो, इसको b पढ़ो, a square minus b square का फॉर्मूला लग जाएगा, एक बार एड हो जाएगा, एक बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो a plus b minus b होता है, तो एक बार तो x plus 2, एक बार x minus 2, और बाहर 2 कॉमन लिया था, ऐसा कैसे रह गया, तो ये आ गया 2 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2, यहां तक क्लियर है। तो हमने पहला जो हमारा पॉलिनोमियल था ux, उसको फैक्टराइज कर लिया। सिमिलरली हम vx को भी फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक। अब vx को फैक्टराइज कैसे करेंगे, x square minus 5x plus 6, चलिए 6 वन जा 6, और 6 के फैक्टर्स होते हैं या तो 6 वन जा या 3 टू जा, ठीक, 6 वन जा या फिर 3 टू जा, तो 3 टू जा करते हैं। देखो माइनस का हमको 5 चाहिए है ना, तो माइनस का 3 और माइनस का 2 करते हैं तो माइनस का 5 आ जाता है, ठीक है कि नहीं का? हम 6 वनजा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम 6 वनजा करते हैं ना तो यहाँ साइन की प्रॉब्लम आ जाएगी, वो आप रफ में करके देख सकते हो चाहे तो, ठीक है भाई, 6x में से 1x में से 6x घटाऊंगा ना तो गड़बड़ आ जाएगा साइन का, ठीक है। तो एक ही तरीके से हो पाएगा, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये चीज प्रीवियस वीडियोज में। तो हमको क्या करना है, माइनस का 3x एंड माइनस का 2x स्प्लिट कर लेंगे तो माइनस 5x होता है, 3 2 को इनटू करने से 6 आता है, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट वाले दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे x, x कॉमन आ गया तो यहां बचेगा x, यहां बचेगा माइनस 3, तो पहले ब्रैकेट में आ गया x माइनस 3, सेम ब्रैकेट आगे रिपीट करना x माइनस 3, बीच में गैप दे देना। अब देखो थर्ड वाला जो टर्म है माइनस 2x, इसमें से ब्रैकेट के अंदर x आ गया तो बाहर माइनस 2 बच गया, यहां माइनस 2, समझ में आ गया। अभी x माइनस 3 दोनों तरफ कॉमन हो गया ब्रैकेट, ये कॉमन ले लेंगे x माइनस 3, इधर बाहर बचेगा x, इधर बचेगा माइनस 2, तो दूसरे ब्रैकेट में आ गया x माइनस 2, ये हमने फैक्टराइज कर लिया। अब बच्चों ux और vx का हमको LCM निकालना है। LCM मैंने बताया जितने भी प्रकार के फैक्टर्स दिख रहे हैं सारे लिख लो। देखो एक तो 2 दिख रहा है मुझे बाहर, 2 लिख लिया, फिर x plus 2, x minus 2, x plus 2, x minus 2 ये आ चुका है, और x minus 3, तो बिना रिपीटेशन हमको लिखना है, एक बार सारे लिख लिया जी। मैंने बताया था इंटू तभी करना जब कोई छोटा मोटा फॉर्मुला लग पा रहा। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट हम इजिली इंटू कर सकते हैं ओरली, a plus b minus b का फॉर्मुला लग जाएगा ना, x plus 2, x minus 2, क्या होता है a plus b minus b, a square minus b square, हमने ऊपर ही लगाया था, तो इनको इंटू कर लेना, बाकी 2 और x minus 3 को छोड़ देना। तो a plus b minus b का फॉर्मुला होता है a square minus b square, मतलब x का square minus 2 का square, इन दोनों ब्रैकेट का x minus 3 ऐसा कैसा, 2 ऐसा कैसा, x का square मतलब x square और 2 square मतलब हो गया 4, तो ये आ गया 2 into ब्रैकेट में x square minus 4 और x minus 3, और ज्यादा इंटू करने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज द LCM ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, यहां पे बच्चों हमको तीन चीजें दी हैं, ये ux मान लेना, इसको मान लेना vx, इसको मान लेना wx। ux हम फैक्टराइज कर लेंगे, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, समझ में आ गया। चलिए तो लेट द पॉलिनोमियल्स बी
यू एक्स, वी एक्स एंड डब्ल्यू एक्स। चलिए सबसे पहले यू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो क्या वन को हम वन का स्क्वायर ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, एक बार आएगा ब्रैकेट में एक्स प्लस वन, एक बार आएगा एक्स माइनस वन। यहां तक क्लियर है? चलिए दूसरा वाला ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में, कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर प्लस वन और ज्यादा फैक्टराइज नहीं हो सकता, और ये एक्स प्लस वन पहले से दिया, तो ये ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में, कुछ नहीं करना। तीसरा डब्ल्यू एक्स ये रहा, इसको स्प्लिटिंग कर लेंगे। चलिए वन वन जा वन, तो वन के फैक्टर्स करेंगे, वन वन जा ही आता है, और वन और वन को अगर जोड़ते हैं, वन और वन को जोड़ते हैं तो क्या आता है? टू, और घटाते हैं तो जीरो, तो हमको तो बीच में वन लाना है, तो वन और वन को जोड़ने या घटाने पे वन नहीं बन सकता, तो ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? तो ये भी ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म है, तो मतलब सिर्फ हमको फर्स्ट वाला फैक्टराइज करना है, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ गया? ये स्प्लिटिंग भी नहीं होगा, ठीक। तो अभी सीधे एलसीएम निकाल लेते हैं, कितने प्रकार के फैक्टर्स दिख रहे हैं हमको, देखो इन तीनों में देखना। हमको यहां दिख रहा है एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, ये देख लिया एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन हम लिख चुके हैं, इसको रिपीट मारेंगे नहीं, तो ये लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आ गया, और ये तीसरा ब्रैकेट जो है सबसे बड़ा वाला, ये लिख लेंगे, सारे लिख लिए हमने एक बार। अब हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे, फॉर्मुला लगेगा यहाँ पे। देखो सबसे पहले एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, इन दोनों को इंटू करते हैं तो क्या आता है? देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये रहा ना, तो इन दोनों ब्रैकेट की जगह लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। आगे एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये तीसरा ब्रैकेट सेम टू सेम। अब इन दोनों ब्रैकेट को अगर ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, दोबारा फॉर्मुला लगेगा क्योंकि दोनों सेम चीज है, एक बार प्लस एक बार माइनस है, इसको ए पढ़ लो इसको बी पढ़ लो, ए प्लस बी ए माइनस बी, दोबारा से इंटू हो जाएगा, ये फॉर्मुला लगेगा। तो ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मुला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले जो एक्स स्क्वायर है इसका होल स्क्वायर माइनस फिर बी मतलब वन का स्क्वायर, सामने वाला ब्रैकेट तीसरा ऐसा कैसा आ जाएगा? तो ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मुला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स रेस टू फोर, और वन का स्क्वायर करेंगे तो वन, एक्स रेस टू फोर माइनस वन, और यहाँ पे तीसरा ब्रैकेट आ गया। समझ में आ गया? इससे ज्यादा इंटू हमको नहीं करना है, ये हमारा आ गया एलसीएम। तो सिंपल फॉर्मूला लगता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी नॉर्मली लग जाता है, तो तब तक लगाते जाओ और सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल लो, ठीक है। वैसे मल्टीप्लाई करना नहीं, ब्रैकेट्स को ओपन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था बच्चों पार्ट नंबर फोर, हमने निकाल लिया एलसीएम, आगे चलते हैं। ओके पार्ट नंबर फाइव, पार्ट नंबर फाइव में देखो 18 और यहां ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है, 45 ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है, तो यहां देखो ब्रैकेट में x रेस टू 4 है, x का क्यूब है, x स्क्वायर है, तीनों में सबसे छोटा जो पावर x स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, यहां पावर 6 है 5 है 4 है, तो तीनों में x रेस टू 4 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। चलो तो पहला जो पॉलिनोमियल उसको हम मान लेते हैं ux, दूसरे वाले को vx, तो गौर करना ux है हमारा 18 into ये पूरा ब्रैकेट में, x स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, तो पहले तो 18 को फैक्टराइज कर ले, 18 होता है बच्चों 2 9 जा, तो 2 ये रहा, ठीक है ना, और 9 होता है 3 का स्क्वायर, हो गया 18 के फैक्टर्स, और इसमें से हमने एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लिया, अब पीछे क्या बच गया, ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये 6x स्क्वायर, भाई x स्क्वायर आ गया ना बाहर 6x स्क्वायर, इसमें से x स्क्वायर आ गया तो प्लस का x और माइनस का 1, इसको हम स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज कर लेंगे, 6 1 जा 6, ठीक। अब 6 लाने के तरीके या तो 6 1 जा होता है या 3 2 जा, 6 को जोड़ने से 7 आएगा, घटाने से 5 आएगा, हमको 1 लाना है, 3 2 जा करना पड़ेगा, 3 और 2 का अंतर कितना होता है 1, तो 3x में से 2x घटाएंगे तो क्या आएगा 1x आ जाएगा, क्लियर है, स्प्लिटिंग हो गई है, 3x माइनस 2x। चलो इन दोनों के बीच में कॉमन ले लेंगे, इन दोनों के बीच में कॉमन ले लेंगे, 6x स्क्वायर और 3x में कॉमन देखो 3x आ जाएगा, क्योंकि 6 और 3 दोनों 3 के टेबल में आते हैं और 1x, तो 3x आ गया, तो 3 कितना 2 टाइम्स होता है, तो यहाँ 6 3 2 जा 6 हो गया, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 1x बाहर निकल चुका, तो x 2x प्लस पूरा 3x बाहर आ चुका, प्लस 1 आएगा, सेम ब्रैकेट आगे रिपीट करना है 2x प्लस 1। अब यहां देखो तीसरा वाला जो टर्म है माइनस 2x में से ब्रैकेट के अंदर 2x आ चुका, तो बाहर कुछ नहीं है, तो माइनस और साथ में 1, समझ में आ गया, तो बाहर माइनस 1 आ गया। अभी इस पूरे बड़े ब्रैकेट के अंदर देखो छोटा ब्रैकेट कॉमन है दोनों तरफ, इसको बाहर निकाल लिया 2x प्लस 1 कॉमन ले लिया, इधर बचेगा ब्रैकेट में 3x, इधर बचेगा माइनस 1, तो दो ब्रैकेट ये बन गए, और बाहर जो हमने कॉमन निकाला था 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये हमने पूरा फैक्टराइज कर लिया, समझ में आ गया। चलिए सेम काम हमको vx के लिए करना है, 45 होता है 5 9 जा, ये 5 रहा और 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर इंटू 5 आ गया, इसमें से x रेस टू 4 कॉमन निकालेंगे, पीछे क्या बच जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, समझ में आ गया भाई, इधर से x 4 आ गया बाहर x रेस टू 4, तो 2x स्क्वायर बच गया, इधर से x रेस टू 4 आएगा तो 3x बचेगा, इधर से x रेस टू 4 आएगा कुछ नहीं बचा मतलब 1, समझ में आ गया, इसको स्प्लिटिंग कर लेंगे, 2 1 जा 2 होता है, और 2 और 1 को ऐड करने से 3 आता है, तो 2x प्लस 1x आ जाएगा, स्प्लिटिंग हो गया, कॉमन ले लेते हैं 2x कॉमन लिया, इधर बचेगा x, इधर बचेगा 1, तो x प्लस 1, सेम x प्लस 1 यहां रिपीट मार देंगे। अब x प्लस 1 रिपीट मारने के बाद में देखो ये तीसरा टर्म प्लस का x है, इसमें से
एक्स आ गया अंदर, कुछ नहीं बचा तो प्लस वन, यहाँ पे प्लस वन आ जाएगा। तो दोनों तरफ से देखो एक्स प्लस वन कॉमन है, ब्रैकेट बाहर निकाल लिया, इधर बचेगा 2x, इधर बचेगा प्लस 1, तो फिर दो ब्रैकेट आ गए। तो कुल मिला के हमारे फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 3 स्क्वायर इनटू 5 ये तो 45 था, x टू 4 कॉमन निकाला था और बाकी स्प्लिटिंग किया तो ये दो ब्रैकेट बन गए। समझ में आ गया, चलिए हो गया हमारा फैक्टराइज दोनों पॉलिनोमियल्स। अब हमको एलसीएम निकालना है। जितने भी प्रकार के फैक्टर्स है पहले बिना रिपीटेशन के एक एक बार लिख रहा हूं, तो नंबर्स में मुझे 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 2, 3, 5 एक एक बार लिख लेते हैं। फिर बाहर x भी रखा हुआ, इधर भी है, इधर भी, तो x भी लिख लेते हैं एक बार, ठीक है, पावर्स बाद में लगा लेंगे। ब्रैकेट में क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, x प्लस वन ये लिख दिया, 2x प्लस वन दोनों तरफ है, रिपीट नहीं करना, एक बार लिख लेना, 3x माइनस वन ऊपर एक बार, सारे एक एक बार लिख लिए हमने, ठीक है, जितने वैरायटी है सारी। अब क्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एल, तो उल्टा हाइएस्ट, बड़ी से बड़ी पावर, 2 की बड़ी से बड़ी पावर सिर्फ 1 ही है तो 2 का 2 आ जाएगा, 3 से बड़ी पावर, 3 की देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो 2 ही लिख लेंगे, 5 के बड़ी से बड़ी पावर 1 ही है तो 1 आ जाएगा, x स्क्वायर x इज टू 4 तो 4 लगा देंगे, बाकी ब्रैकेट्स के सबकी पावर 1 1 एक एक बार आ जाएगा। कुछ ब्रैकेट्स तो इनटू होंगे नहीं, सब अलग अलग हैं, ऐसे कैसे आ जाएंगे, बाकी इनको समेट लिया जाए, x इज टू 4 को भी छेड़ना नहीं है, बाकी समेट लो, 3 3 9 और 5 2 10 होता है, तो 9 10 90, तो 90x इज टू 4 और तीनों ब्रैकेट, ऐसे कैसे। समझ में आ गया, ये था बच्चों लास्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1, एलसीएम निकाल लिया, क्लियर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फैक्टराइज अच्छे से कर लेंगे बिना कटपिट के, क्लियर है। सेम काम हमको आगे करना है, बस वही चीज था, एलसीएम की जगह एचसीएफ जब निकालेंगे तो हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे जो दोनों तरफ हैं, और हाईएस्ट की जगह लोएस्ट पावर ले लेंगे, बस ये काम होगा। चलिए सेम पैटर्न, पॉलिनोमियल है तो यूएक्स वीएक्स डब्ल्यू एक्स, और अगर सिंपल एक्सप्रेशन है तो यू वी डब्ल्यू, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे हमको एचसीएफ निकालना है फॉलोइंग एक्सप्रेशन का। पहले क्वेश्चन में हमको 3 एक्सप्रेशन दिए, तो पहला यू मान लिया, दूसरा वी मान लिया, तीसरा डब्ल्यू, तो ये हमको डबल डबल वेरिएबल्स में है, a क्यूब b रेस टू 4 a b रेस टू 5 a स्क्वायर b रेस टू 8, समझ में आ गया। अब हमको एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहला मैंने क्या बताया, पहले तो कॉमन फैक्टर लिख लो, तो देखो तीनों में a है तीनों में b है, तो a और b मैंने दो तीनों में लिख लिया, मतलब दोनों में लिख लिया कॉमन फैक्टर्स। अभी h हाईएस्ट तो उल्टा लोएस्ट, तो कम से कम पावर लिखनी है a और b की, तो सबसे छोटी पावर a की तो 1 है और b की सबसे छोटी पावर 4 है, तो a पे 1 आएगा, b पे 4 आएगा, a पे 1 मतलब कुछ नहीं, b पे 4, ए बी रेस टू 4 हो गया, तो टेक लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, समझ में आ गया, सिंपल खत्म। चलिए अगला भी एक्सप्रेशन ही दिया है, कोई पॉलिनोमियल नहीं है, तो दो दिए यहाँ पे, यू हमारा ये रहा 16x2y2 और वी हमारा 48x4z, ठीक। तो वेरिएबल्स के साथ तो कुछ करने है, x2y2 16 को तोड़ लेते हैं, 16 होता है 2 रेस टू 4, क्योंकि 2 × 2 × 2 × 2 होगा, तो 2 रेस टू 4 पावर्स में लिख लिया सब कुछ। 48 होता है 16 3 जा, तो 16 का तो हमको पता ही है 2 रेस टू 4 है, 3 और आ जाएगा, तो देखो ये 16 3 जा होता है ना 48, तो 2 रेस टू 4 × 3 और आ गया x रेस टू 4 × z, आ गया जी। सारे फैक्टर्स में से कॉमन लिखना है सिर्फ, तो देखो 2 दोनों में है 2 लिख दिया, 3 दोनों में नहीं है नहीं लिखना, x दोनों में है x लिख दिया, y दोनों में नहीं है z दोनों में नहीं है तो नहीं लिखना, तो 2 और x ही है कॉमन। अभी h हाईएस्ट उल्टा कम से कम पावर, छोटी से छोटी पावर, 2 की छोटी पावर दोनों में 4 ही है तो 4 ही आ जाएगी, x की छोटी पावर यहां 2 है यहां 4 है तो छोटी वाली 2 है तो 2 लिखनी है, 2 रेस टू 4 होता है 16, सॉल्व कर लेना नंबर्स को, 16x² आ जाएगा, क्लियर है। ये था हमारे पार्ट नंबर 2 का एचसीएफ। अब कुछ हम पॉलिनोमियल्स का भी देख लेते हैं। चलिए यहां पे आपको 3 पॉलिनोमियल्स दिए हैं, तो हमने तीनों को मान लिया, एक यूएक्स एक वीएक्स एक डब्ल्यूएक्स, फैक्टराइज करना पड़ेगा, तीनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, x² − 7x + 12 12 1 जा 12 12 के फैक्टर्स होते हैं, कितने 4 3 जा 4 और 3 को ऐड करने से आता है 7, माइनस का चाहिए तो दोनों माइनस के ले लेंगे, तो −4x − 3x = −7 कॉमन ले लिया जाए, स्प्लिटिंग हो गया। चलिए और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ आप करेंगे धीरे धीरे याद हो जाएगा, तो आपको वो रफ वर्क अवॉइड कर सकते हो चाहो तो, भाई 6 1 जा भी होता है, 6 2 जा भी होता है, लेकिन 6 और 2 को जोड़ने घटाने पर 7 नहीं आता, 12 1 जा भी होता है, 12 और 1 को जोड़ने घटाने पर 7 नहीं आता, तो 4 3 जा बनेगा, ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए कॉमन लेना है, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, x बाहर निकाल लिया, तो यहां बचेगा x, यहां बचेगा −4, सेम ब्रैकेट आगे रिपीट मारेंगे x − 4। अब x − 4 में से देखो जो तीसरा टर्म है माइनस का 3x, इसमें से ब्रैकेट में क्या समा गया x, तो बाहर बच गया −3, यहां लिख दिया हमने −3, और −3 को दोनों तरफ इंटू करेंगे तो ऊपर वाला बन जाएगा −3 × x − 3x − 3 × −4 + 12, क्लियर है, ओके। अब x − 4 दोनों तरफ रिपीट हो रहा है, कॉमन ले लिया, इधर बचेगा x, इधर बचेगा −3, दूसरे ब्रैकेट में आ गया, हो गया जी फैक्टराइज, ऐसे ये कर लेंगे, x²−10x + 21 के फैक्टर्स बताओ, 21 1 जा 21 के फैक्टर 7 3 जा होता है,
और 7 और 3 को ऐड करने से 10 आता है। माइनस 10 कब आएगा, जब माइनस 7 और माइनस 3 ले लेंगे, तो माइनस 7x माइनस 3x हो गया, स्प्लिटिंग हो गया, फैक्टर्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x में से x बाहर आ जाएगा, x माइनस 7 बचेगा, सेम ब्रैकेट आगे रिपीट मार दिया, x माइनस 7 माइनस 3x में से x ब्रैकेट में आ गया तो बाहर माइनस 3 बच गया, दोनों को इंटू कर लेंगे तो ऊपर वाला बन जाएगा, कॉमन ले लेते हैं x माइनस 7, इधर बचेगा x, इधर बचेगा माइनस 3, फिर दो ब्रैकेट आ गए हमारे, फैक्टराइज हो गया सेकंड वाला हमारा। तीसरा wx ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, 15 होता है 5, 3 जा 5 और 3 का अंतर 2 होता है, तो बड़े में से छोटा घटाना है, 5x माइनस 3x इक्वल टू प्लस का 2x आ जाएगा, स्प्लिटिंग हो गया, कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x में से x कॉमन आ गया तो इधर x बचेगा, प्लस 5x प्लस 5 आ गया, सेम ब्रैकेट आगे रिपीट किया, x प्लस 5, इस माइनस 3x में से ब्रैकेट में x आ गया तो बाहर माइनस 3 शेष बच गया, माइनस 3 लिख दिया, इंटू करके चेक कर लेना ऊपर वाला बन जाएगा। ठीक, अभी x प्लस 5 दोनों तरफ से कॉमन ले लिया, सेम ब्रैकेट इधर x बचेगा, इधर माइनस 3 बच गया, अगेन हमको दो ब्रैकेट मिल गए, तो तीनों हमने फैक्टराइज कर लिए। अब क्या हमको, सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर्स लिखना है जो तीनों में ही हो, चेक करते हैं, x माइनस 4 तीनों में नहीं है, नहीं लेना, x माइनस 3 तीनों में है, ले लिया, x माइनस 1 x माइनस 7 तीनों में नहीं, x प्लस 5 तीनों में नहीं, तो कॉमन फैक्टर हमारा क्या है, x माइनस 3 लिख लिया, और h हाईएस्ट तो मतलब उल्टा लोवेस्ट पावर 1 नहीं है, तो x माइनस 3 सीधा ही हमारा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया, समझ में आ गया। चलिए अगला हमारा, दो ही पॉलिनोमियल्स दिए और बिल्कुल आपको परोस क्या दिया है, फैक्टर्स, फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं है, तो कह रहा है ux हमारा ये दे दिया, फैक्टर्स के फॉर्म में दे दिया, x प्लस 3 तो दो बार है x माइनस 2, और vx दे दिया x प्लस 3 एक बार, x माइनस 2 दो बार, hcf निकालना है, तो कॉमन फैक्टर्स दोनों ही हो गए, x प्लस 3 भी x माइनस 2 भी है, तो दोनों लिख दिया, तो छोटी पावर लिखनी है, हाईएस्ट उल्टा लोएस्ट पावर, तो एक एक है, 1-1 लगा दिया, मतलब कुछ नहीं करना, छोड़ दो, इंटू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला कुछ लग नहीं रहा, hcf आ गया, बिल्कुल सिंपल, समझ में आ गया। चलिए फिफ्थ वाले पार्ट में हमको कई पॉलिनोमियल से ux होगा vx भी होगा, तो पहले ux मैंने लिख लिया, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बाहर 24 है, अंदर देखो सबके साथ x है और कुछ ना कुछ पावर है, सबसे छोटी पावर कॉमन आ जाती है, x स्क्वायर तीनों में से निकाल लेंगे बाहर, तो 24 ऐसा कैसा आ गया, 24 को तोड़ लेते हैं, 8 3 जा होता है 3 ये पड़ा, और 8 मतलब 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब इंटू 3 कर लिया हमने, x स्क्वायर बाहर निकाल लिया, इधर क्या बच जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का, इसमें x स्क्वायर बाहर आ गया तो माइनस x और माइनस 2। ठीक है, अब इसको स्प्लिटिंग करके फैक्टराइज कर लेंगे बाहर, सेम टू सेम रिपीट कर रहा हूं, 2 क्यूब 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 क्यूब 3 इंटू एक्स स्क्वायर, लास्ट तक ऐसा कर सकते जाना। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना, चलो 6 2 जा 12, अब 12 क्या होता है बच्चों, 4 3 जा होता है, और 4 और 3 का अंतर होता है 1, माइनस का 1 लाना है तो छोटे में से बड़ा घटा देंगे, तो 3x तो प्लस का ले लो और माइनस का 4x ले लो, 3x में से 4x किया तो माइनस का 1x बचेगा, क्लियर है, कॉमन ले लेते हैं, फैक्टर स्प्लिट हो गया, 6 और 3 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, बड़े से बड़ा नंबर, तो 3 ले लिया, 1x बाहर निकाल लेंगे, 3x बाहर आ गया, यहां बचेगा 2x, और प्लस पूरा 3x बाहर आने से यहां प्लस 1 बचेगा, 2x प्लस 1 रिपीट करेंगे आगे। अब माइनस का 4x में से देखो x अंदर आ गया, 2 को मैं किससे इंटू करूं कि माइनस 4 बन जाए, तो 2 को माइनस 2 से इंटू करना पड़ेगा ताकि माइनस 4 बन जाए, तो माइनस 2 बाहर आ जाएगा, तो माइनस 2 को 2x से किया तो माइनस का 4x, और माइनस 2 इंटू प्लस 1 माइनस का 2, तो सेटिस्फाई होता है। अब 2x प्लस 1 जो कॉमन है दोनों तरफ ब्रैकेट, वो कॉमन ले लिया, इधर बचेगा 3x, इधर बचेगा माइनस 2, तो हमने फैक्टराइज कर लिया, याद रखेंगे चीज को, आगे चलते हैं, ये हमारा ux था। चलिए एक और vx दिया बिल्कुल इसी पैटर्न पे, तो यहां दिया देखो 20, 20 होता है 4 5 जा, 5 ऐसा कैसा आ गया, प्राइम नंबर है, तो 20 में 4 5 जा, और 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया, इसमें से x रेज़ टू 4 सबसे छोटी पावर कॉमन आ जाएगी बाहर, यहां बचेगा 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ओके, इसको फैक्टराइज करना है, 6 1 जा 6, और 6 और 1 का अंतर 5 होता है। ठीक है, लेकिन अगर 6 और 1 का अंतर 5 होता है तो मैं लिखूंगा 6 माइनस 1, लेकिन माइनस आ जाएगा, कहीं ना कहीं ब्रैकेट में कॉमन लेने से माइनस आएगा, हमको सारे प्लस चाहिए, तो प्लस की तरह तोड़ना पड़ेगा, तो 6 1 जा 6, और 3 2 जा भी 6 होता है, और 3 और 2 को जोड़ने से क्या आता है 5, तो प्लस वाला ले रहा है क्योंकि सारे प्लस है, माइनस का साइन दिखना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या है 6 1 जा ना लेकर के क्या लिया 3 2 जा लिया, तो 5x कैसे आएगा 3x प्लस 2x, हम चाहे उल्टा लिख लें 2x प्लस 3x कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से 3x कॉमन आ जाएगा बाहर, यहां बचेगा 2x प्लस, यहां 3x पूरा निकल गया 1, सेम ब्रैकेट आगे रिपीट मारा 2x प्लस 1, पूरा 2x ब्रैकेट के अंदर आ गया, कुछ नहीं बचा मतलब प्लस, और साथ में कुछ नहीं मतलब 1, तो प्लस 1, 2x प्लस 1 कॉमन ले लिया बाहर, इधर 3x बच जाएगा, इधर प्लस 1, तो ये भी हमने फैक्टराइज कर लिया। अब बच्चों ब्रैकेट की बात करें तो पिछले वाले में 2x प्लस 1 पीछे भी था, और यहाँ पे भी एक बार और चेक करा दूं, देखो ब्रैकेट्स में तो 2x प्लस 1 है, 3x प्लस 1 यहाँ पे है, देखना 3x प्लस 1 पीछे 3x प्लस 1 नहीं था हमारा, ठीक है 3x प्लस 1 नहीं था ना, तो ये सिर्फ 2x प्लस 1 है, और यहाँ पे 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो कॉमन हमारा यहाँ पे 2 आ रहा है,
यहाँ पे 3 है, वहां पे 5 है, अलग अलग है, ठीक है ना। तो सिर्फ 2 कॉमन आएगा, यहाँ पावर 2 है, और x भी कॉमन आएगा, यहाँ पे पावर स्क्वायर है, वहां पे 4 है, तो छोटी वाली पावर एक्स स्क्वायर है, तो 2x प्लस 1 आएगा ब्रैकेट्स में, तो ठीक है 2x प्लस 1 आ गया, और 2 और x दोनों समझ में आ गया, यहाँ यहाँ 5 है, वहां 3 था, तो ये नहीं आएगा, x दोनों में आ रहा है, छोटी पावर एक्स स्क्वायर लिख लिया हमने, और 2 दोनों में आ रहा है, छोटी पावर 2 है, वहां 3 थी, तो 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर, ये ब्रैकेट इसको सॉल्व कर लेना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4x स्क्वायर और 2x प्लस 1 ब्रैकेट में आ गया, ये आ गया हमारा HCF, समझ में आ गया। चलिए ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो कुल मिला के बात ये है कि फैक्टराइज सबको अच्छे से आना चाहिए, समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। तो एक तो पूरी एक्सरसाइज उस पे है, और लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है HCF LCM, ये टोटली बेस्ड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के ऊपर, फैक्टराइज नहीं कर पाए तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक। अब बच्चों हमने जो रियल नंबर वाला चैप्टर था ना, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की थी, दो नंबर वाली प्रॉपर्टी, क्या था, यदि कोई भी हमारे पास दो नंबर अवेलेबल हैं, उन दोनों नंबर्स को हमने उनका HCF निकाल लिया, उनका हमने LCM निकाल लिया, और उनके HCF LCM को इंटू कर लो, और दोनों नंबर्स को इंटू कर दो, बराबर आंसर आता है। सेम चीज लागू होती है दो पॉलिनोमियल्स पे भी, समझ में आ गया, सिर्फ दो पॉलिनोमियल पे, इफ वी हैव टू पॉलिनोमियल्स, दोनों पॉलिनोमियल को इंटू कर दो और उनका HCF LCM इंटू कर दो, बराबर आंसर आएगा। चेक करते हैं, हमको एक पॉलिनोमियल ux दे दिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में, दूसरा पॉलिनोमियल bx दे दिया x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर लेंगे, फैक्टराइज 1 का स्क्वायर लगा देंगे, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक ओके। तो ये दो पॉलिनोमियल्स आ गया, तो कह रहा है कि वेरीफाई करो कि क्या इनका HCF LCM का प्रोडक्ट और दोनों पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट बराबर आएगा, तो चेक करते हैं। तो पहले तो देखो ux हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऐसा कैसे लिख लिया, और जो vx हमारा x स्क्वायर माइनस 1 है, तो मैंने 1 की जगह 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और a प्लस बी ए माइनस बी x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर क्या होगा, x प्लस 1 x माइनस 1, तो इसके भी दो ब्रैकेट फैक्टराइज जरूर कर लेना, कर लिया। चलो अब हम एक बार दोनों का HCF निकालते हैं, LCM निकालते हैं, बाद में वेरीफाई करेंगे। HCF क्या हो जाएगा, पहले तो कॉमन फैक्टर लिखना है, तो देखो x माइनस 1 यहां दो बार है, x माइनस 1 यहां एक बार है, तो बस x माइनस 1 ही है कॉमन फैक्टर, तो x माइनस 1 लिख लिया, और छोटी पावर 1 लगानी है, तो ये तो HCF आ गया, क्योंकि वहां तो पावर 2 है बड़ी, तो छोटी पावर लेनी है कॉमन फैक्टर की, और एलसीएम में जितने भी प्रकार के फैक्टर सारे के एक बार लिख लो, तो यहां हमको x माइनस 1 दिख रहा है, यहां x प्लस 1 दिख रहा है, तो x माइनस 1 भी लिख लिया, x प्लस 1 भी लिख लिया, और बड़े से बड़ी पावर, ठीक है, तो x माइनस 1 की बड़ी पावर 2 है, तो यहां 2 लगा दिया, x माइनस 1 दो बार है, x प्लस 1 एक बार है, अब इसको x माइनस 1 दो बार है, तो हम इसको लिख देंगे x माइनस 1 x माइनस 1 x प्लस 1, समझ में आ गया। और हम क्या कर सकते हैं, इसमें मैंने बताया ना, अगर कुछ फॉर्मूला लग जाता है तो फॉर्मूला लगा के थोड़ा समेट लेना है, तो देखो इन दोनों ब्रैकेट में फॉर्मूला लग सकता है, x प्लस 1 x माइनस 1, a प्लस b माइनस b का फॉर्मूला लगेगा ना इन दोनों ब्रैकेट में, तो a प्लस b माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रह गया, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो दो ही ब्रैकेट में सिमट गया, समझेगा, तीन ब्रैकेट आए थे, ये दोनों ब्रैकेट फॉर्मूला लगा के हमने इंटू कर लिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्लियर है, तो HCF LCM निकल गया। अब चेक करते हैं दोनों पॉलीनोमियल्स का प्रोडक्ट कितना आता है, चलो ux into vx, तो देखो ux था x minus 1 का whole square ये लिखा, और vx था x square minus 1 ये लिख लिया, ऐसा कैसे, जैसा दिया था उसी फॉर्म में, ठीक है। अब HCF LCM को इंटू करते हैं, जो हमने ताजे ताजे निकाले हैं, HCF x minus 1 है ये रहा, और LCM ये दो ब्रैकेट है, तो x minus 1 देखो ये तो पहला x minus 1 ये रहा, और यहां पे x minus 1 ये रहा, और x square minus 1 ये रहा, x minus 1 दो बार हो गया, तो हम स्क्वायर लगा दिए पावर, ठीक है, और x square minus 1, तो गौर करें ux और vx देखो, x प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 1, ये भी देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर दो बार हो गया ना, और x स्क्वायर माइनस 1, तो बिल्कुल सेम टू सेम आया, और हमने वेरीफाई कर लिया कि LCM इंटू HCF किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स ux इंटू vx। अब इस चीज का प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकते हैं कहां पे, अगर हमको दो पॉलिनोमियल्स दे दे उनका HCF दे दे तो LCM निकाल सकते हैं, LCM दे दे तो HCF निकाल सकते हैं, दोनों दे दे एक पॉलिनोमियल दे दे तो दूसरा पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, क्लियर है, ये प्रॉपर्टी पक्का पूछी जाएगी आगे क्वेश्चंस में। चलिए लो जी, अभी बोला था वही क्वेश्चन आ गया, द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस इज ये दोनों, तो हमारे दो एक्सप्रेशन को ux और vx मान लेंगे, दोनों को इंटू करने से ये आता है x माइनस 7 x स्क्वायर प्लस 8 x प्लस 12, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, उनका HCF दे दिया, तो दोनों का प्रोडक्ट ये रहा, HCF ये रहा x प्लस 6, तो पूछ रहा है LCM क्या होगा, तो प्रॉपर्टी हमको पता है, वी नो दैट ux into vx दो पॉलिनोमियल जो उनका प्रोडक्ट बराबर HCF into LCM। चलिए प्रोडक्ट हमको पूरा दे रखा है, ux vx को इंटू करके देखो ये रहा, तो पूरा लिख लेंगे ऐसा कैसे, x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 8 x प्लस 12, और HCF into LCM में से HCF x प्लस 6 है लिख लिया, LCM नहीं पता, into LCM क्लियर। चलिए
इसको फैक्टराइज करके दो ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बाहर x माइनस 7 ऐसे कैसे लिख दिया, चलिए 12 1 जा 12, 12 के फैक्टर्स 4 3 जा होता है 6 2 जा, 4 3 जा नहीं लगेगा, 4 और 3 को जोड़ने तो 7 आता है, 6 2 जा 6 और 2 को जोड़ते हैं तो 8 आता है, तो 6x + 2x आ जाएगा, समझ में आ गया स्प्लिटिंग, प्लस में आ जाएगा ना दोनों, तो 8x को हमने तोड़ लिया 6x + 2x, और 6 2 को इनटू करते हैं तो 12 आता है, 12 1 जा 12 ठीक है। चलिए अब कॉमन लेना है, x स्क्वायर प्लस 6x में से x कॉमन ले लिया, यहां बचेगा x, यहां बचेगा 6, सेम ब्रैकेट आगे रिपीट किया x प्लस 6, तो प्लस 2x में से x ब्रैकेट में समा गया तो प्लस 2 बाहर रह गया, तो x प्लस 6 दोनों तरफ से कॉमन ले लिया, इधर x बचेगा बाहर, इधर प्लस 2 बचेगा, तो दोनों ब्रैकेट आ गए x प्लस 6, x प्लस 2 और x माइनस 7, तो फैक्टराइज हो गया पूरा, तो ये प्रोडक्ट जो है हमारा दोनों एक्सप्रेशन का ये है तीन ब्रैकेट, और यहाँ पे हमको पता है x प्लस 6 और एलसीएम है, देखो इधर से x प्लस 6 कट गया, तो क्या बचा, दो ब्रैकेट बच गई है, इनको इनटू कर लेना, हमारा एलसीएम आ गया, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या आएगा, x माइनस 7 x प्लस 2, इनको इनटू कर लिया जाए x माइनस 7 x प्लस 2, ऐसा भी छोड़ सकते हैं और इनटू भी कर सकते हैं, तो इनटू करके करेंगे तो क्या होगा, x इनटू x x स्क्वायर, x इनटू 2 प्लस 2x, माइनस 7 इनटू x माइनस 7x, माइनस 7 इनटू 2 माइनस 14, 2x में से 7x गया तो छोटे में से बड़ा जा रहा है, माइनस का 5x आ जाएगा, ये दोनों सेम टू सेम, लो जी हमारा एलसीएम निकल गया। तो यहाँ क्या सीखा हमने, दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट दिया था, एचसीएफ दिया था, एलसीएम निकाल लिया, समझ में आ गया। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर है बच्चों। आपको मैंने एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझाई थी मैंने, दो पॉलीनोमियल्स हो या फिर नंबर्स हो, कि जो एचसीएफ होता है ना वो एलसीएम का फैक्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी ध्यान रखें, एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम का फैक्टर होता है, मतलब एलसीएम को अगर मैं डिवाइड करूं एचसीएफ से तो पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, ठीक। चलिए इफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आर, दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है डिग्री टू वाली, उनका एचसीएफ और एलसीएम, ये तो एचसीएफ है ये एलसीएम है, नॉर्मली एचसीएफ की पावर डिग्री कम होगी, एलसीएम मल्टीपल होता है इसकी डिग्री ज्यादा होगी, तो क्यूब वाला बड़ा वाला एलसीएम है, ठीक है, एचसीएफ मेरा एलसीएम मेरा, दो पॉलीनोमियल्स का, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों एक्सप्रेशन निकालो, तो हमको ये तो पता है कि एचसीएफ और एलसीएम को इंटू करते हैं इन दोनों को, और दोनों पॉलीनोमियल्स को इंटू करेंगे यूएक्स वीएक्स तो बराबर आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो क्या थी, प्रोडक्ट दिया था और एक एचसीएफ दिया था तो एलसीएम निकाल लिया यहाँ, लेकिन एचसीएफ एलसीएम दोनों ही इन्होंने दे रखे हैं और एक्सप्रेशन दोनों गायब कर ली, समझ में आ गया कि नहीं, क्या एक्सप्रेशन दोनों गायब कर ली, क्लियर है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इनको फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्यूबिक पॉलीनोमियल को फैक्टराइज करना मैंने 9th क्लास में सीखा है, और अगर सब भूल भाल गए हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नया चीज बता देता हूं आपको इस बार। चलिए लेट द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो कह रहा है कि दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन निकालने डिग्री टू वाले, तो मान लेते हैं वो एक्सप्रेशन यू एक्स और वी एक्स है, समझ लिया, तो मान लेते हैं यू एक्स और वी एक्स है, और दोनों का एचसीएफ एक्स माइनस फाइव है, तो ध्यान देना कि दोनों जो पॉलीनोमियल्स है उसको फैक्टराइज करने पर कॉमन फैक्टर x माइनस फाइव बनेगा, इसमें भी होना चाहिए कॉमन और उसमें भी होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो मतलब x माइनस फाइव दोनों में ब्रैकेट के रूप में आना चाहिए, ठीक। तो प्रॉपर्टी ये रही, दोनों पॉलीनोमियल्स का प्रोडक्ट यू एक्स इंटू वी एक्स बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये हमने ऊपर से ले लिया, सेम प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट दे दिया, ये दोनों दे दिया, ठीक है, और यू एक्स वी एक्स हमको निकालना है, ठीक है, भरेंगे बाद में, सबसे पहला काम करते हैं इसको फैक्टराइज करेंगे, तो उसको लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, वी नो दैट एचसीएफ इज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम, मतलब ये जो एचसीएफ है ना ये इसका क्या होता है, फैक्टर होता है, तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो पूरा डिवाइड जाएगा, समझ में आ गया, कुछ क्वेश्चन आएगा तो मुझे तो क्वेश्चन निकालना, ध्यान से सुनेंगे, तो हमको पता है कि एक्स माइनस फाइव जो कि एचसीएफ है इज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम, तो मैं इसको डिवाइड करने जा रहा हूं एक्स माइनस फाइव से, हमको पता है पूरा डिवाइड जाएगा, रिमाइंडर जीरो होगा, डिवाइड करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है, फैक्टराइज हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो देखो ये रहा हमारा एचसीएफ, मैंने बीच में लिख दिया सेम टू सेम, बाहर लिख लिया एचसीएफ, एलसीएम ये रहा, एचसीएफ ये रहा, चलो डिवाइड करते हैं, डिवाइड हम सीख चुके हैं पहले, एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, तो यहां लिख लिया एक्स स्क्वायर, अब बारी बारी दोनों को इंटू करना एक्स स्क्वायर से, एक्स को एक्स स्क्वायर से इंटू किया तो एक्स क्यूब आ गया, माइनस फाइव को एक्स स्क्वायर से किया तो माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, यहां कहीं नहीं दिख रहा एक्स स्क्वायर वाली टर्म, लास्ट में लिख देंगे माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, नीचे का साइन चेंज करेंगे, यहां प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट गया एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ठीक। अभी इन तीनों में से सबसे बड़ी पावर इसकी है तो इसको पहले लिखना है, तो यहां पे साइन चेंज होगा, ये बचा प्लस का फाइव एक्स स्क्वायर सबसे पहले लिख लिया, माइनस 19x माइनस 30 बाद में लिख लिया, क्लियर है, ये तीनों बच गए, ओके। अब जो पहली वाली टर्म है अगेन इसके नीचे ये फर्स्ट टर्म लग देंगे, फर्स्ट बाय फर्स्ट, फाइव एक्स स्क्वायर के नीचे अगर मैं x लिखूं तो x x कट जाएगा, फाइव एक्स बचेगा प्लस का, तो प्लस का फाइव एक्स, अब बारी बारी इन दोनों को फाइव एक्स से इंटू करना है प्लस से, तो x को 5x इनटू किया तो 5x स्क्वायर प्लस का आएगा, सेम टू सेम,
माइनस फाइव को प्लस फाइव एक्स इंटू किया तो माइनस का 25x आ गया, तो x वाले के नीचे लिख दिया माइनस 25x, समझ आया क्या? इस बार डिफरेंट नहीं आ रहा तो मैचिंग आ रहा था, उसी के नीचे लिख देना। साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, लाइन खींचा ये कट गया, माइनस 19x और प्लस का 25x, प्लस का बड़ा है प्लस में आएगा 6, 25 में से 19 गया 6 बचेगा, 6x आ गया और माइनस 30x, ऐसा कैसा लिख लिया? अभी 6x के नीचे ये x लिखना है तो एक्स कट जाएगा, प्लस का 6 आएगा, लास्ट में लिख दिया प्लस का 6। दोनों को प्लस 6 इंटू करना है तो x को प्लस 6 से किया, प्लस 6x माइनस 5 इंटू 6 माइनस 30, दोनों का साइन चेंज करेंगे, प्लस 6x माइनस 6x कट गया, माइनस 30 प्लस 30 कट गया, जीरो आ गया, पूरा डिवाइड जाएगा, जीरो ही बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आ गया। अब वो ईडीएल लगाते हैं, ध्यान है ना आपको क्या होता है, बीच वाला a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, r तो कुछ नहीं है तो a बराबर b इंटू क्यू आ जाएगा। तो देखो ये बीच वाला x क्यूब माइनस 19x माइनस 30 बराबर ये इंटू ये, x माइनस 5 इंटू ये रहा, क्लियर है? तो एक तरह से देखो इसके फैक्टर्स करूं तो एक ब्रैकेट तो ये निकलेगा, दूसरा निकलेगा, इसको स्प्लिटिंग करके फैक्टराइज कर लेते हैं तो तीनों ब्रैकेट आ जाएंगे। तो देखो हमने आसानी से फैक्टराइज कर लिया, अदरवाइज जो सिंथेटिक डिवीजन आप शायद भूल गए हो मेरे ख्याल से। चलो तो x माइनस 5 यहां लिख लिया, ये दूसरा ब्रैकेट ये रहा, हमारा क्वेश्चन आता है दूसरा ब्रैकेट, एक ब्रैकेट ये बनेगा एक ये बनेगा, ठीक। चलो तो एक्स स्क्वायर प्लस ओके 6 बन जा, 6 6 के फैक्टर्स 3 2 जा होता है, 3 और 2 को जोड़ने से 5 आता है, मैं 6 माइनस 1 भी ले सकता हूं लेकिन 6 में से 1 घटाएंगे तो माइनस आएगा, यहां कहीं माइनस नहीं है तो प्लस वाला ही लेना है, तो 3 2 जा, भी थोड़ी देर पहले किया था हमने, तो शुरू के दोनों में से कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर में प्लस 3 एक्स में से, तो एक्स कॉमन आ गया एक्स प्लस 3, सेम ब्रैकेट आगे रिपीट करेंगे एक्स प्लस 3 तो x ब्रैकेट के अंदर आ गया, बाहर प्लस 2 रह गया, x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो बाहर बचेगा x प्लस 2, क्लियर है? तीनों ब्रैकेट आ गए, समझ में आ गया। अब हमने पीछे जो हमने रिलेशन लिखा था ना, ux into vx बराबर hcf into lcm, अब गौर से सुनना बच्चों, ये दोनों निकालने हैं नहीं पता, hcf x माइनस 5 था लिख दिया मैंने x माइनस 5, और lcm था ये वाला चीज x क्यूब माइनस 19x माइनस 30 लिख दिया, hcf x माइनस 5 ऐसे कैसे लिख रहे हैं, और ये जो lcm था इसके देखो तीनों ब्रैकेट ये पड़े तो ये लिख देंगे x माइनस 5 x प्लस 3 x प्लस 2। तो अगर हम गौर करें तो x माइनस 5 इधर भी आ रहा है और x माइनस 5 इधर भी आ रहा है, तो बच्चों ध्यान से सुनना, दो समूह बनाने हैं, x माइनस 5 इकट्ठा नहीं लेना, एक ब्रैकेट में एक x माइनस 5 के साथ दूसरा वाला ले लो, इसमें x माइनस के साथ दूसरा वाला ले लो, समझ में आ गया? एक एक x माइनस 5 ले लो, एक एक दूसरा ब्रैकेट ले लो, तो चार ब्रैकेट में से मैंने एक x माइनस 5 इधर ले लिया, स्क्वायर ब्रैकेट में एक इधर ले लिया, एक x प्लस 3 इसको दे दिया, एक x प्लस 2 इसको दे दिया। अब देखो इसको इंटू करूंगा तो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बना, इसको इंटू करूंगा तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनेंगे, ये दोनों बनेंगे, ठीक है? और इन दोनों में कॉमन फैक्टर देखो x माइनस 5 है तो hcf x माइनस 5 आएगा, ये कह भी रहा है, तो समझ में आ गया? तो हमको इस प्रकार से क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना कि दोनों में कॉमन x माइनस 5, मतलब एक x माइनस 5 इधर लेना एक इधर लेना, जो hcf है वो दोनों तरफ एक एक बार आएगा, बाकी जो अलग वाला है वो एक एक बार ले लेना। इसको इंटू कर लेते हैं तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 3 प्लस का 3x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5x और 5 3 15 माइनस का आ जाएगा, माइनस 5 है ना, यहाँ 3x में से 5x गया तो माइनस का 2x, तो x square माइनस 2x माइनस 15, इनको इंटू करेंगे x into x x square, x को प्लस 2 से किया प्लस 2x माइनस 5 into x माइनस 5x और माइनस 5 2 जा माइनस का 10, दो में से 5 गया तो माइनस 3x, समझ में आ गया? ये दो हमारे पॉलीनोमियल्स बन गए क्वाड्रेटिक, एक ux मान लेंगे एक vx मान लेंगे, क्लियर है? तो देयरफॉर ux आ गया हमारा x square माइनस 2x माइनस 15 एंड vx आ गया हमारा x square माइनस 3x माइनस, तो दीज आर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। कोई प्रॉब्लम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम के लायक है, अच्छे से समझना, आपको ऐसा क्वेश्चन आपको मिसलीनेस में भी मिलेगा, तो वो आपको खुद ही ट्राई करना है, मैंने पैटर्न समझा दिया, समझ में आ गया? बिल्कुल सेम टू सेम आपको मिसलीनेस में है, वो आपको स्वयं से ट्राई करना पड़ेगा, क्लियर? अब एक और डिफरेंट क्वेश्चन है बच्चों, मिसलीनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है कि नहीं? क्या तो ये मैं आपको समझा देता हूं एक और बार, ठीक है? ये और कर लेते हैं, उसके बाद में कुछ मिसलीनियस के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता दूंगा, लिस्ट दे दूंगा कौन से आप लोग कर पाओगे, जो मैं डिस्कस कर चुका हूं, बस रिपीटेशन वर्क है, कौन कौन से आप कर पाओगे उसकी लिस्ट में दे दूंगा, आप ट्राई करना, आसानी से आपको आ जाएंगे, ठीक है? और जो डिफरेंट है थोड़े भी, उनको फिर मैं इससे नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें पूरे डिस्कस कर दूंगा, समझ में आएगा? तो मैं लिस्ट दे रहा हूं पूरी की पूरी, टोटल 23 क्वेश्चन हैं, ये लास्ट है और 22 बचेंगे, तो 22 में से कुछ मैं आपके लिए छोड़ूंगा जो आप करोगे इजीली, जो ऑलरेडी मैं करा चुका हूं बिल्कुल वही पैटर्न है, और जो डिफरेंट है थोड़ा भी अलग होगा वो मैं पूरा करवाऊंगा विद सॉल्यूशन, क्लियर है? वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। चलिए तो ये एक और है 23rd क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मिलता जुलता है लेकिन डिफरेंट है, तो मैं करवा रहा हूं, ठीक है कि नहीं? क्या 22nd क्वेश्चन आपको आ जाना चाहिए, जस्ट जो हमने अभी क्वेश्चन 5 किया बिल्कुल उसके जैसे 22 नंबर क्वेश्चन, तो आप ट्राई कर लेना।
एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलीनोमियल्स आर, ये दोनों अब भी दिया बिल्कुल वैसा ही, एक तो क्यूबिक पॉलीनोमियल है, एक ये रहा एचसीएफ तो एक्स प्लस वन है और एलसीएम कितना है एक्स क्यूब माइनस सिक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टेन, ओके रिस्पेक्टिवली, और दोनों पॉलीनोमियल पिछली बार गायब कर दिए थे, इस बार एक पॉलीनोमियल दे दिया, समझ में आ गया, और दूसरा हमको निकालना है, क्लियर है। तो यहां पे क्या है बताओ, एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर यूएक्स इनटू वीएक्स, तो एक दे दिया हमको, उससे पहले हमको बच्चों ये तो हम स्प्लिटिंग से फैक्टराइज बाद में कर लेंगे, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, उसके बिना काम चलेगा नहीं, इसको फैक्टराइज करने का तरीका मैं बता चुका हूं, हमको पता है एचसीएफ इज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम, तो अगर मैं इससे इसको डिवाइड करता हूं पूरा डिवाइड जाएगा, तो मतलब इसके तीन ब्रैकेट में से एक तो यही बनने वाला है, तो दूसरे जो दो है वो कोशेंट के रूप में आएंगे, उनको समझ में आ गया, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं इससे पूरा डिवाइड जाएगा, और जो कोशेंट आएगा वो क्या होगा, वो हमारा बचे कुछ जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगी उसको फैक्टराइज कर लेना, तो एक ब्रैकेट तो यही बनेगा, उससे दो और बन जाएंगे, तो तीनों ब्रैकेट आ जाएंगे हमारे क्यूबिक पॉलीनोमियल में, तो तीन ब्रैकेट बनेंगे, चलिए तो वही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, वी नो दैट एचसीएफ इज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम, तो बाहर हमने एचसीएफ रख दिया एक्स प्लस वन, ये रख दिया हमने बीच में और डिवाइड करने अभी थोड़ी देर पहले क्या सेम टू सेम वही पैटर्न, चलिए एक्स क्यूब को एक्स के नीचे रखेंगे, सॉरी एक्स क्यूब के नीचे एक्स रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर रख देंगे हम, समझ में आ गया ना, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड करके देख लेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अब बारी बारी दोनों को इंटू करना एक्स स्क्वायर से, तो एक्स को एक्स स्क्वायर से किया तो पहला वाला एक्स क्यूब सेम टू सेम, वन को एक्स स्क्वायर से किया तो वन एक्स स्क्वायर आ गया प्लस का, दोनों प्लस के साइन चेंज करेंगे माइनस ये कट जाएगा, माइनस सिक्स और माइनस कुछ नहीं मतलब वन, तो माइनस का सेवन हो गया एक्स स्क्वायर, बाकी दोनों सेम टू सेम बिना साइन चेंज किए, साइन सिर्फ नीचे वाले का चेंज होगा, अब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स लगा देंगे तो एक एक एक्स कट जाएगा, माइनस सेवन एक्स बचेगा, ये पड़ा माइनस सेवन एक्स, समझ में आ गया, दोनों को बारी बारी इंटू करेंगे माइनस सेवन एक्स से, एक्स को माइनस सेवन एक्स से किया तो माइनस का सेवन एक्स स्क्वायर, और प्लस वन को सेवन एक्स से किया माइनस से तो क्या आएगा माइनस का सेवन एक्स आ गया, ऐसा कैसा, साइन चेंज करेंगे ये प्लस ये कट गया, माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर, प्लस का तीन एक्स और प्लस का सेवन एक्स, प्लस का टेन एक्स हो गया, और लास्ट में प्लस टेन ऐसा कैसा उतार लिया, अब टेन एक्स के नीचे एक्स लगाएंगे तो प्लस टेन बचेगा, ये आ गया प्लस टेन, दोनों को इंटू करेंगे तो प्लस टेन एक्स और प्लस टेन आ जाएगा, दोनों के साइन चेंज करेंगे अपोजिट हो गए दोनों कट जाएगा, प्लस टेन माइनस टेन कट गया, प्लस टेन एक्स माइनस टेन एक्स कट गया, जीरो बच गया, पूरा डिवाइड चला गया, ये क्वेश्चन आ गया, तो हम लिख सकते हैं ये चीज ईडी लगाते हैं ना, डिविडेंड इज इक्वल टू ये इंटू ये और प्लस जीरो, मतलब कुछ नहीं होता, तो देखो ये रहा बीच वाला डिविडेंड, ये बराबर एक्स प्लस वन इंटू ये, और प्लस जीरो है तो प्लस जीरो का कोई महत्व है नहीं, एक्स प्लस वी नहीं पहला ब्रैकेट आ गया, तो मैंने बताया था ना एक ब्रैकेट तो ये निकलेगा, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, टेन वन जा 10, 10 के फैक्टर्स 5 2 जा होते हैं और 10 1 जा, 10 और 1 को जोड़ने से 11, घटाने से 9 और 5 2 को जोड़ने से 7 आता है, और माइनस 7 चाहिए तो माइनस का 5 और माइनस का 2 ले लेंगे, तो माइनस 5x माइनस 2x हो जाएगा माइनस 7x, चलिए एक्स स्क्वायर और माइनस 5x में से कॉमन ले लेंगे, x बाहर आ गया, इधर बचेगा x माइनस 5, सेम ब्रैकेट आगे रिपीट करेंगे x माइनस 5, x ब्रैकेट में आ गया तो बाहर रख गया माइनस 2, इंटू करके देखेंगे ऊपर वाला बन जाएगा, x माइनस 5 दोनों तरफ रिपीट हो रहा है, बाहर कॉमन ले लिया, इधर बचेगा बाहर x, इधर बचेगा माइनस 2, तो तीनों ब्रैकेट हमारे बन गए, तो क्यूबिक पॉलीनोमियल को फैक्टराइज हमने कितनी आसानी से कर लिया, समझ में आ गया, तो ये फैक्टराइजेशन बहुत जरूरी था, और एक पॉलीनोमियल हमको दे रखा है दो में से, भाई एलसीएम फैक्टराइज कर लिया, एचसीएफ ऑलरेडी फैक्टराइज है, और दो में से यूएक्स वीएक्स में से यूएक्स हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये दे रखा है, इसको भी कर लेते हैं फैक्टर स्प्लिटिंग मेथड, चलो 5 1 जा 5 और 5 और 1 का अंतर 4 होता है, माइनस का चाहिए तो एक में से 5 घटाएंगे, छोटे में से बड़ा, समझ में आ गया, तो 1x माइनस 5x तो माइनस 4x आएगा, कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर और 1x में से कॉमन लिया, x बाहर आ गया, x प्लस 1 बचेगा, सेम ब्रैकेट रिपीट कर देंगे x प्लस 1, x ब्रैकेट में आ गया तो बाहर बचेगा शेष माइनस 5, लिख लिया, इंटू करेंगे ऊपर वाला बन जाएगा, x प्लस 1 कॉमन ले लिया, बाहर बचेगा x माइनस 5, क्लियर है, ये भी फैक्टराइज हो गया, अब क्या करना है, प्रॉपर्टी यूज करनी है, कौन सी, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ux into vx, तो ये ध्यान रखेंगे एक पॉलीनोमियल x प्लस 1 x माइनस 5 है, ठीक है, और ये हमारा क्या था क्यूबिक पॉलीनोमियल x प्लस 1 x माइनस 5 x माइनस 2, फैक्टराइज कर लिया, मैं आगे चल रहा हूं, हमारी प्रॉपर्टी vx निकालना है अदर पॉलीनोमियल, ठीक है, तो प्रॉपर्टी हमको पता है ux into vx बराबर hcf into lcm, hcf हमको दिया था x प्लस 1 और lcm हमारे क्यूबिक पॉलीनोमियल था जिसके तीन ब्रैकेट ये रहे, पीछे निकाले सेम टू सेम x प्लस 1 x माइनस 5 x माइनस 2 और x प्लस 1 हमारा hcf है, तो चार ब्रैकेट हो गई है, और ux vx में से vx हमको पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है ये लिख दिया, और ux को फैक्टराइज किया था हमने, पीछे दो ब्रैकेट बने थे x प्लस 1 x माइनस 5 लिख दिए जी, ब्रैकेट है ब्रैकेट है, दोनों तरफ कॉमन ब्रैकेट है, काट लो, देखो x प्लस 1 इधर भी है, x प्लस 1 इधर भी है, कट गया, x माइनस 5 इधर भी है, x माइनस 5 इधर भी है, कट गया, तो यहां बचेगा vx, यहां बचेगा x प्लस 1 एंड x माइनस 2, दोनों को इंटू कर लेंगे, x को x इंटू किया x स्क्वायर,
एक्स इंटू माइनस टू, माइनस टू एक्स, ये प्लस का एक्स आ जाएगा और माइनस टू आ जाएगा, प्लस वन इंटू माइनस टू, और माइनस का तो दो एक्स और प्लस का एक एक्स, माइनस का बड़ा है ना, तो दो एक्स में से एक एक्स गया तो माइनस का एक एक्स बचेगा, तो माइनस का एक एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस टू, ये आ गया हमारा दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्लियर है। तो ये हमने मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 23 किया बच्चों, समझ में आ गया। तो डिविजन बहुत अच्छे से आप लोग सीख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अब मैं लिस्ट बताने जा रहा हूं, ये वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी मैं वीडियोस में बता चुका हूँ, सेम पैटर्न के हैं, चाहे वो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स हो, चाहे वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो, चाहे वो पूछ रहे हैं कि भाई नेचर ऑफ रूट्स निकाल लो, ठीक है, या फिर वो पूछ रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है बता दो, डी की कौन कौन सी कंडीशन है, इस तरह के क्वेश्चन है, वो सारे आप कर लोगे, कुछ मल्टीपल चॉइस है कुछ वैसे है। तो ये इजी से आपके करने लायक क्वेश्चन है, मेरे को होप है सारे आने चाहिए आपको, ये क्वेश्चन नंबर टू कर पाएंगे, क्वेश्चन नंबर सेवन कर पाएंगे, स्प्लिटिंग है, सिर्फ फैक्टर्स निकालना है, सिंपल, क्वेश्चन नंबर एट कर पाएंगे, नाइन कर पाएंगे, टेन कर पाएंगे, इलेवन कर पाएंगे, ये तो सीधे फॉर्मूला ही पूछ रहे हैं, मगर जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है भाई, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बता दो और अल्फा बीटा का फॉर्मूला बता दो, क्वालिटी फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, और कंडीशंस क्या क्या है डी की, वो पूछे जा रहे हैं इन दो तीन में, तो टेंथ ट्वेल्थ थर्टीन आ जाएगा, फोर्टीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू वाला बिल्कुल फिफ्थ क्वेश्चन के जैसा है, मैंने पीछे डिस्कस किया था, फोर्थ क्वेश्चन जैसा, सॉरी एक्सरसाइज का, ठीक है कि नहीं, क्या हमको यूएक्स और बीएक्स में से क्या दे दिया, यूएक्स बीएक्स के हमको क्या एक आइटम दे दिया, एचसीएफ और एलसीएफ में से एक दे दिया था, दूसरा निकालना है और दोनों का प्रोडक्ट दे दिया, वैसा क्वेश्चन है, ठीक। इसके अलावा टोटल 11 क्वेश्चन बच गए बच्चों, समझ में आ गया, जो इसमें शामिल नहीं है तो ये तो आप करोगे, जो 11 बच गए वो नेक्स्ट और लास्ट जो पार्ट है इस चैप्टर का पॉलीनोमियल्स का उसमें मैं डिस्कस करूंगा। तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, पूरा ढंग से खूब प्रैक्टिस करेंगे अपने रफ नोटबुक में और फेयर में इसको एक एक समझ करके उतारेंगे, और इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे जो बचे हुए क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन, वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।